हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग अल्कोहल्स पढ़ रहे थे और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा पढ़ चुके थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, में ही हम समझ रहे हैं कि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों के बीच में डिफरेंस करने वाला जो भी टेस्ट है, केमिकल मेथड्स हैं, रिएक्शंस हैं, उनको पढ़ना है। तो इसमें हमारा पहला टेस्ट होता है, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास सैंपल है, यानी कि जो अल्कोहल का सैंपल हमारे पास है, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं HCl के सॉल्यूशन के साथ में, और उसमें ZnCl2 ऐड करते हैं, और इससे हमको मिलता है अल्काइल हलाइड। ठीक है, तो ये हुआ ROH अल्कोहल, उसको HCl के साथ रिएक्ट करते। यहाँ आप देखिए, तो आपके पास यहाँ से H अलग होगा और ये OH, तो ये H2O ये बन गया, और क्या बना, R और Cl, अल्काइल हलाइड। यहाँ पर जिंक क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये अल्कोहल जो होता है, ये मिक्स किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के साथ, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर में। और जो अल्काइल हलाइड बनता है वो इनसॉल्यूबल प्रिपेयर होता है ना, वो किसी चीज़ में सॉल्यूबलाइज नहीं होता, और इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी हो जाता है और एक सेपरेट लेयर बना के अलग हो जाता है ना। तो अगर जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ, मतलब जो सैंपल हम लोगों को मिला था, वो अगर प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर ये जो क्लाउडीनेस है ये दिखाई नहीं देगा, सॉल्यूशन जो है वो क्लियर रहेगा। इसके बाद जो सेकेंडरी हुआ अगर सैंपल, तो क्लाउडीनेस को डेवलप होने में 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, और अगर टर्शरी हुआ तो क्लाउडीनेस इमीडिएट डेवलप हो जाएगी, मतलब जैसे ही हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे इमीडिएटली जो है वो क्लाउडीनेस डेवलप हो जाएगी। जैसे सपोज हम लोग के पास ये टेस्ट ट्यूब था, इसमें हमारा टेस्ट परफॉर्म हो रहा था, तो ये ऐसा का ऐसा ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो हमारे पास हुआ प्राइमरी। फिर इसमें इमीडिएटली अगर क्लाउडीनेस आ गया तो ये हुआ टर्शरी, और 5 मिनट्स के बाद ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टर्बिड हुआ, क्लाउडी हुआ, तो ये हुआ सेकेंडरी। ये तीनों है, तो इसका रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा ही है कि जो टर्शरी है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, रैपिड है ना, फिर सेकेंडरी उससे थोड़ा कम, और प्राइमरी जो सबसे कम होगा एकदम धीरे रिएक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट। तो डाइक्रोमेट टेस्ट जो होता है, ये क्या टाइप का टेस्ट है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपका जो भी अल्कोहल का सैंपल है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से जो भी अल्कोहल का सैंपल है, वो ऑक्सीडेशन के बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। सपोज 1 डिग्री वाला है तो कुछ और देगा, 2 डिग्री वाला है तो कुछ और 3 डिग्री वाला है तो फिर कुछ और। इस प्रकार से तीनों सैंपल्स अलग अलग हमें देंगे। यहाँ पर हम रिएक्शन देखिए, डाइक्रोमेट बोला है, तो सोडियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब जो प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है ये ऐसे रिएक्शन है जो सब्सिक्वेंट कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और साथ में कलर चेंज धीरे धीरे होगा और हमें मिलेगा ग्रीन से ऑरेंज। सपोज हम लोग ये सैंपल परफॉर्म किए, तो ये सैंपल भरा हुआ था इसमें, ठीक है, यहाँ पर आपने रिएक्शन परफॉर्म किया डाइक्रोमेट वाला, ऐड कराया सोडियम डाइक्रोमेट और साथ में ऐड कराया सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारा जो ये सैंपल था ये हो जाएगा ग्रीन कलर का, और तो ऐसा हुआ तो हमारा जो सैंपल था दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर क्या होगा कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ना मिल करके कीटोन्स मिलेंगे, और कीटोन्स जो हैं उसके केस में भी हमारा ग्रीन से ऑरेंज में ही कन्वर्जन पॉसिबल होगा। टर्शरी में हमको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा और हमारा सॉल्यूशन ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, है ना, हम लोग को कोई भी कलर चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरा होता है इस रिएक्शन में विक्टर मेयर टेस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे विक्टर मेयर, उन्होंने डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम पर बना है।
तो ये टेस्ट भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। और रिएजेंट का नाम भी होता है विक्टर मेयर रिएजेंट। अब यहाँ पर अल्कोहल जो है वो आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर हमको मिलता है आइडो एल्केन। अब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है और हमें नाइट्रो एल्केन्स मिलते हैं जिसको हम फर्दर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो इससे हमको मिलता है ब्लड रेड कलर, फिर अगर हम सेकेंडरी से करें तो मिलता है ब्लू कलर, और टर्शरी से करें तो कोई कलर देखने को नहीं मिलता है इसमें। नेक्स्ट जो है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका जो अल्कोहल है वो ऐसे रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि पोलर या तो फिर आयनिक रिएजेंट दोनों में से किसी से भी रिएक्शन दे सकते हैं। कारण क्या है स्टूडेंट्स इस चीज का, कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी होता है, तो इसीलिए हमारे पास एक ऑक्सीजन नाम का इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो ऑक्सीजन एटम है अल्कोहल का, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है क्योंकि इसमें दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको एक्टिव मेटल्स मिलते हैं, है ना। रिएक्टिव मेटल्स के साथ में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। देखो तो आप एल्कोहल यूज करो, एल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराओ, और इसमें फॉर्म क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म पे रिलीज होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक एरो दिख रहा है ना, तो ये जो अपसाइड एरो है दिस इज द सिंबल फॉर रिलीज ऑफ गैस, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें एक ऐसा डाउन एरो होता है तो ये सिंबल होता है PPT बना, प्रेसिपिटेट, उस बात का। तो ऐसे ही अगर हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयन के साथ, तो इसमें से हमको क्या मिलता है, एच, और कितना बार, दो। तो जब दो एच मिला तो बना H2। दो मॉलिक्यूल आपने इथाइल अल्कोहल के लिए थे, CH3 CH2 OH, फिर से CH3 CH2 OH, तो एक एच और एक एच, दो एच, H2 बना CH3 CH2 O, और यहाँ से दो बार Na, ये इसका नाम हुआ सोडियम इथॉक्साइड। हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड। जब फॉस्फोरस हलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस पेंटा हलाइड के साथ और हमें बन के मिलता है अल्काइल हलाइड। यहाँ पर है CH3 CH2 OH, ठीक है। ये रिएक्ट करता है PBr के साथ, फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड के साथ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पांच बार ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन को आप यूज कीजिए, वो रिएक्शन करा के जुड़ जाएगा CH3 CH2 Br के साथ। ये फिर एक ब्रोमीन चला गया, अब आपके पास कितने बच गए, चार ब्रोमीन। एक और ब्रोमीन जो है वो एच के साथ रिएक्ट कराएगा HBr, अब आपके पास बचे तीन ब्रोमीन। अब आपके पास क्या क्या है, OPBr3, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करा सकते हैं, ब्रोमीन के जगह आयोडीन को भी यूज कर सकते हैं, तो अगेन हमको क्या मिल जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, जैसा भी हम प्रोडक्ट लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनाइल। जैसे अपन जान रहे हैं स्टूडेंट, थायो मतलब सल्फर, है ना। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये हुआ थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन हम कराओगे अल्काइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर आप देखो CH3 CH2 OH, अब आप देखो SOO, ये O और ये दो, तो ये बना SO2, ये भी गैस के फॉर्म पे रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिला एक Cl और ये H, तो बना HCl। HCl भी यहाँ पर स्टूडेंट्स गैस बना के रिलीज हो रहा है ना। HCl गैस है, यहाँ लिक्विड नहीं है तो वो एसिडिक नहीं होगा। इसके बाद CH3 CH2 और एक रिमेनिंग Cl, CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर हुआ, है ना। ऐसे ही अगर अपन अगले रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन है हमारा हाइड्रोजन हलाइड के साथ का रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन होगा और हेलोजन होगा, ठीक है, या तो हेलोजन में IFCl, जो भी वॉट एवर हम लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड को रिएक्शन कराते हैं। यहाँ देखिए OHH,
बहुत इजीली वाटर प्रिपेयर हुआ, आपके पास बच गया CH3 CH2 वेकेंट बॉन्ड, और ये ब्रोमीन तो बन गया इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, इसको आप स्प्लिट करिए H N और 3 O, और इसको अरेंज करिए तो H O फिर N O 2, ये भी तो नाइट्रिक एसिड ही है ना, जस्ट राइटिंग में अरेंजमेंट चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ से लिया हमने OH और यहाँ से H, तो फिर से वाटर बना। अब क्या रह गया CH3 CH2 वेकेंट O वेकेंट NO2, ये बन गया इथाइल नाइट्रेट। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ परफॉर्म कराते हो तो ये अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे C2H5OH मतलब अगेन आप रिएक्शन करा रहे हो इथाइल एल्कोहल का, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, ठीक है, रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे हुआ तो आपको मिलेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर रिलीज होगा, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमेशा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ वाटर हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बहुत इजीली ब्रेक करा सकते हैं, OH लिया और यहाँ से एक H2O, अब ये बच गया SO3H, ये SO3H। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेम रिएक्शन को हम 170 डिग्रीज तक हीट करके करें, उस कंडीशन में अगेन हमारे पास H2O रिलीज हुआ और प्रोडक्ट जो है वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ना बन के बना इथाइलीन, मतलब दोनों कार्बन जो हैं वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ गए। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने इसमें थोड़ा अल्कोहल और ऐड कर दिया, इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ा दी और टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड से किया, उस कंडीशन में फिर से क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो वाटर रिलीज होगा ही। अब आपके पास देखो वन मॉलिक्यूल इथेनॉल, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, आपके पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल है, एक साइड इथाइल एक साइड इथाइल, प्रोडक्ट बना डाई इथाइल और आर ओ आर हुआ तो ईथर, हमारे को रिजल्टेंट मिला डाई इथाइल ईथर, क्योंकि हमारे पास दो साइड के लिए दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल C2H5 अवेलेबल था। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो अभी हमारे पास इस सीक्वेंस में बहुत सारे और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। हम लोग रिमेनिंग रिएक्शंस को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।